और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने यूपी के 3 जिलों के तथ्यों को सत्य के साथ रखा। अमेठी, रायबरेली और काशी में विकास के आंकड़े पेश किए। आप भी देखिए कि एक परिवार की सीट रही अमेठी और रायबरेली किस तरीके से विकास से दूर रहे। सत्य और तथ्य का आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की बात करना चाहता हूं। आप बोलेंगे 3 शहर, ये 3 वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आप इन्हें उत्तर प्रदेश की 3 मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कह सकते हैं। आज बात अमेठी, रायबरेली और काशी की होगी और आज बात सिर्फ विकास की ही होगी, क्योंकि बोला जाता है विकास की बात होनी चाहिए। अमेठी एक वीआईपी सीट है जहां फ्रेंडली मैच की प्रथा रही है, यानी गांधी परिवार के सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता। इससे परिवार के सदस्यों को इजी वॉकओवर हमेशा मिलता रहता है। अमेठी में करीब 33 साल गांधी परिवार का एक छत्र राज रहा। संजय गांधी, राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, सभी ने अमेठी की जनता की नुमाइंदगी की। ऐसे ही हाल रायबरेली का भी है, जहां करीब 56 साल से परिवार या फिर परिवार के करीबियों का शासन रहा। गांधी परिवार की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल सोनिया गांधी रायबरेली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बदले में अमेठी और रायबरेली को क्या मिला, इसके तथ्य भी जान लीजिए। 2013-2014 में 100 दिन रोजगार गारंटी के तहत 67,128 फैमिली में से मात्र 2,174 यानी 2,174 लोगों को काम मिला। 2011 की जनगणना में के मुताबिक अमेठी में 83.08% घरों में ही शौचालय थे, जबकि रायबरेली में 71.7% घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा रायबरेली में केवल 20.4% यानी 20.4% घरों में नल से जल की व्यवस्था थी, जबकि अमेठी में मात्र 24.7% घरों में ही नल से जल पहुंचता था। साल 2011-2012 तक अमेठी और रायबरेली के 4.8 और 4.1% स्कूलों में कंप्यूटर्स की व्यवस्था थी। ऐसे आंकड़ों की तो बड़ी भरमार है जो हैरान और परेशान करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इतनी वीआईपी सीट्स होने के बावजूद इन दोनों जिलों को यूपी के सबसे बीमारू जिलों में क्यों गिना जाता था। अब बात उत्तर प्रदेश की एक और वीआईपी सीट की, मैं बात कर रहा हूं काशी की। इस लोकसभा सीट का नाम है काशी। 2014 तक इस शहर को भगवान भोले, गंगा घाट, तंग गलियों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था। काशी में विकास ना होने या यूं कहें कि विकास ना करने के पीछे तर्क भी यही दिए जाते थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने गंगा घाट पर फावड़ा चलाकर संकेत दे दिए थे कि काशी अब बदलने वाली है। हालांकि काशी की जो छवि हमारे जहन में बिठाई गई थी, उस वजह से नरेंद्र मोदी के एक्शन पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन 9 साल बाद अब जरा काशी को देखिए। दुनिया सबसे पहले ताजा तस्वीर को देख लेते हैं। ये काशी में बनने वाला नया क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका पवेलियन डमरू की शेप में बनेगा, जबकि फ्लड लाइट्स में त्रिशूल की आकृति बनी होगी। इससे पहले काशी को वर्ल्ड क्लास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मिल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसमें हाथ डालना सियासी नजरिए से काफी जोखिम भरा था, क्योंकि तंग गलियों का चौड़ीकरण, रास्ते में आने वाले मंदिरों को दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये काम वही कर सकता था जिसका संकल्प बेहद दृढ़ हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि काशी कॉरिडोर का बनना केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके साथ रिवर फ्रंट, फ्रूट स्ट्रीट और टेंट सिटी जैसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काशी अब पहले से बड़ा टूरिस्ट हब बन चुकी है। संजय गांधी बन चुकी है। और साथ ही साथ ये आपको मैं बता सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो, विकास का काम जरूरी है। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, अमेठी, रायबरेली और काशी, फर्क साफ है।